बच्चा तो पढ़ा लिखा रहे हैं प्रदूषण खाने के लिए, बताइए जो जंगल जबरन जबरदस्ती करेगा। जब हम लोग 10 महिला थे तो सब प्रशासन भेज दिए थे जंगल में, हम जो रोंगटा के आदमी थे ने बड़ा बाबू विनय कुमार, महिला खड़ा थी, वो लड़का को भेज दिया लेडीज तरफ धकेल के, जो लड़का टोपी पहना हुआ था वो टोपी लेडीज तरफ फेंक दिया, लेडीज तरफ लड़का को धकेल के उसका गंजी खोलने लगा, ताकि फंसाने का उसका उपाय था कि लेडीज सब ही लड़का को गंजी खोल रहा। तो एक बड़ा बाबू तो जानता है, हम लोग पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, बताइए हम लोग महिला खड़ा रहते थे तो बड़ा बाबू मेरे पैर में आके सो जाता था, उसका नियम क्या है? वो जनता के लिए है कि बड़ा बड़ा उद्योगपति के लिए है? बताइए किसके लिए पुलिस प्रशासन है? तो जनता के कौन सहयोग कर रहा है? कोई कर रहा है नहीं। अभी हम लोग कल आ रहे थे, जब माया टुंगरी से आगे आए प्रशासन आके रोक दिया कि आगे नहीं जाने। क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप रामगढ़ में ही रोंगटा फैक्ट्री में ही मेरा समस्या का समाधान कर दीजिएगा तो हम राज्य के पास नहीं आएंगे, बताइए वो कर देगा मेरे समस्या का समाधान? अगर 4 महीना पहले से हम आंदोलन कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा नीरज मर गया, उसका माँ का दिल में क्या दर्द है बताइए? तो ही ना बोल रहे हैं रोंगटा अगर वो बच्चे को खड़ा कर देगा तो हम आंदोलन करना छोड़ देंगे, कर देगा तो ये तो आलोक रोंगटा को जिम्मा लगा दीजिए उसके माँ के पास, सीधा सीधी बात है। हम लोग जब तक प्रदूषण बंद नहीं करेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग कभी नहीं छोड़े। वो तो डायरेक्ट बोला था कुछ पैसा ले लीजिए, काहे लेंगे पैसा? पैसा लेंगे और हम अस्पताल जाके भर्ती हो जाएंगे प्रदूषण खा खा के, बताइए अगर जीवित रह पाएंगे ना तो पैसा बहुत कमाएंगे, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? हाँ तो हम काहे पैसा आपसे लेंगे? आपके पास पैसा उसका मतलब कि आप अपना पैसा अपने पास रखिए और अपना प्रदूषण भी आप अपने पास रखिए। ये तो अपने घर में प्रदूषण लेके बैठा लीजिए, ये तो फैक्ट्री यहाँ से हटाइए, बूढ़ा ठप से अपना गोरिया बिस्तर उठा के भागिए। बूढ़ा ठप से महिला जनता जितना भी भाई बहन है सब हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे कि क्या करेंगे, सब हम लोग समाज लेंगे, बस हम लोग वो सब कुछ नहीं चाहते हैं। जोहार, हम इतना ही बोल के अपना बात को विराम।